हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कुमार, यू आर वॉचिंग मिकोलॉजी। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में कवर करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन, जो बोलते हैं कि जैसे नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन में पैटर्न क्रिएट करने को बोलते हैं। अगर आप, मैं बोलूँ कि कोई मैं स्ट्रिंग इंटर करूँ, मुझे वो स्ट्रिंग एज अ डायमंड चाहिए, एज अ ट्राइंगल शेप में चाहिए, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ में। नॉर्मल आपको पूछ लेते हैं हर जगह ये पैटर्न्स। और ये भी होता है कि मैं यूज़र से एक स्ट्रिंग इंटर कराऊँ, जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एक स्ट्रिंग इनपुट है, वो स्ट्रिंग को एज अ डायमंड शेप में यहाँ पे सेव कर शो कर रखें। तो कोई भी वैल्यू एंटर हो और वो एज ए डायमंड शेप में या ट्रायंगल शेप में हो जाए, जैसे ये शो करता हूँ आपको F5। अब देख सकते हो ये पैटर्न एग्जैक्ट वही पैटर्न फॉलो कर रहा है और आराम से आपको डायमंड शेप मिल गया चुका है। स्पेस क्रिएट होगा तब भी और नहीं होगा तब भी। और अगर मुझे सिर्फ ट्रायंगल शेप करना है तो मुझे सिर्फ एक कमेंट करना है, सेव Ctrl F5, और बन गया। और इसको और सही करना है तो मैं ये स्पेस, मैं अभी बिल्कुल एग्जैक्ट ये कोड पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैं एक डेमो दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आपके हम क्या कवर करने वाले हैं, देख सकते हो आप ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लास रखा है मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हमें जो क्या है, स्ट्रिंग के साथ हमें जो पैटर्न्स है वो बनाने हैं। तो फर्स्ट एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग ले लिया, और आप कोई भी नेम रख सकते हो, मैंने STR रखा है अभी। उसके बाद एक यूज़र को मैसेज देते हैं या प्रिंट करने के लिए, स्ट्रिंग एंटर करने के लिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर एक मैसेज देंगे। अब ये मैसेज होगा यूज़र के लिए, एंटर योर स्ट्रिंग। उसके बाद यूज़र क्या इनपुट करेगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए क्या, जो STR हमने वेरिएबल ले रखा है, इसमें हम असाइन कर लेंगे जो भी यूज़र STR, इसमें असाइन कर लेंगे जो भी यूज़र एंटर करेगा स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग डॉट रीड लाइन। तो जो भी स्ट्रिंग इनपुट होगा उसको ये स्टोर कर देगा STR के अंदर। अब हमें लिखना है लॉजिक। अब हमारे पास STR के अंदर जो ये यहाँ पे हमारे पास आ चुका है जो यूज़र इनपुट करेगा, फिर हमें उसे परफॉर्म करना है जो भी हमें पैटर्न बनाना है। तो अभी ट्रायंगल के लिए करते हैं। तो ट्रायंगल फॉर लिख के दो बार टैब प्रेस करना है, ये अपने आप आ जाएगा। तो अभी हम ये रॉ के लिए कर रहे हैं तो रॉ क्रिएट करेंगे, और ये सब रॉ हो गया। अब इसके बाद हमें ये कहाँ तक करना है, ये लूप चले जो स्ट्रिंग इंटर कर रखा है उसके लेंथ तक, str.length, और ये इंक्रीमेंट हो रहा 1 से, ये वेरिएबल है। तो ये लूप चलेगा जितनी बार जितनी लेंथ होगी str की। अब इसमें एक और लूप चाहिए जो इसको प्रिंट कर सके जितनी बार हम चाहें हर बार, तो फॉर लूप, और ये हो जाएगा हमारा कॉलम। तो कॉलम भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमें कहाँ तक ले जाना है, ये कॉलम है, ये लेस देन इक्वल टू रखते हैं इसे r। ओके, अभी लेस देन इक्वल टू आर रखते हैं, और फिर अभी हम यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हम जो ये STR है उसको प्रिंट करेंगे। तो STR का इंडेक्स कौन सा होगा, STR का इंडेक्स होगा C, कॉलम। और कॉलम क्यों रखा है, क्योंकि हर बार ये पहली टाइम 0 आएगा तो 0 ये है तो 1 टाइम चलेगा तो इंडेक्स का ये 0 इंडेक्स प्रिंट होगा। सेकेंड टाइम ये आएगा तो एज अ 2 आएगा, तो 2 आएगा तो 0 1, मतलब स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स और 1 वाला इंडेक्स प्रिंट होगा। जैसे ही 3 आएगा फिर 0 1 2 3 इंडेक्स प्रिंट होगा। तो ये पूरा एक सिनेरियो है। फिर हमें ये पूरा प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करना है, तो कॉन्सोल डॉट राइट लाइन। ओके, और अभी आप सोच रहे होगे कि ये लाइन लिखा हुआ है, लाइन चेंज हो जाएगा, सही, ये लाइन हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे सिंपल ये कोड, ये हमें लाइन चेंज करने के लिए, ये सिंपल प्रिंट करने के लिए। तो एक बार इसे सेव Ctrl F5 रन करते हैं। अब इंटर योर स्ट्रिंग, योर स्ट्रिंग हो चुका है, योर स्ट्रिंग, सेव Ctrl F5। अब यहाँ पे हमने डाले से हमें कि मिकोलॉजी, तो आप देख रहे हो M A
MAKELOGY निकला जी। तो ये ऐसे कैसे वो एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके साथ। तो फर्स्ट यूजर एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का, फिर ये मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद हम यूजर से ये स्ट्रिंग ले रहे हैं मेकलॉजी, ये स्ट्रिंग आ चुका है। उसके बाद स्ट्रिंग की लेंथ इतनी, ये लूप चल रही है, मतलब अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स में वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 8 कैरेक्टर्स है। तो फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, तो उसके लेंथ इतना ही ये लूप चल रहेगा बाहर वाला। मतलब रॉ कितनी होंगी उसकी लेंथ इतनी एग्जैक्ट सेम होंगी, है ना। तो इसलिए उसके लेंथ इतना, उससे एक कम, मतलब ये लेंथ 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, इससे से एक कम कर रखा है, वरना वो नंबर में फिर एक एक्स्ट्रा जाएगा। फिर उसके बाद जो फॉर लूप है, फिर हमें चाहिए कि यार पहली बार जब पहला इंडेक्स आए तो एक ही बार चले, दूसरा इंडेक्स आए तो दो बार चले, तीसरे इंडेक्स में तीन बार चले। तो जब पहली वैल्यू आएगी तो पहला इंडेक्स प्रिंट हो रहा है, ये फॉर लूप सिर्फ वन बार ही ट्रू हो पाएगा और फिर ये बाहर निकल जाएगा लूप से। तो फिर सेकेंड जब इसमें वन आएगा तो ये दो बार चलेगा, फिर तीन आएगा तो तीन बार चलेगा, ये ऐसा इस, क्योंकि ये इसका जो ये आर है वो वेरी हो रहा होगा इसके अकॉर्डिंग। तो पहले 0 होके आएगा तो एक बार चलेगा, 1 होके आएगा 2 बार चलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे चेंज हो रहा है। तो अब ये ट्रायंगल हो गया, अब कोई भी स्ट्रिंग इंटर होगा इसमें, ये उसके अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक और इनपुट लेके देखते हैं। अब मैंने बीच में स्पेस दिया है, अब इसको एंटर करते हैं। अब देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनाए। तो अब क्या करते हैं कि अब बिल्कुल डायमंड शेप बनाते हैं। तो डायमंड शेप के लिए एग्जैक्ट ये जो फॉर लूप है ऐसा ही कुछ यहाँ पे लेते हैं, और ये इसको एस क्रिएट कर देते हैं ये स्पेस। और स्पेस कैसा होगा, ये स्पेस जैसे ये बढ़ रहा है हर बार आर की वजह से, ये घटना चाहिए, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हर बार माइनस हो रहा होगा, और इसमें सिर्फ स्पेस प्रिंट कराना है हमें, तो ये स्पेस प्रिंट होगा इसमें। अब ये आर पहली बार क्या होगा, 0, और ये वैरी हो रहा है ना, तो ये वैरी तो चाहिए हमें, और इक्वल भी चाहिए, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, है ना। और इसको हमें हायर से लोअर स्टार्ट करना है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम हायर से लोअर के लिए, हायर हमें कहाँ जाना है, लेंथ तक, इससे ज़्यादा हायर नहीं जा सकते। सेव रन, अब यहाँ पे करते हैं, देख रहे हो ये स्पेस प्रिंट हुआ है, अभी बिल्कुल डायमंड शेप पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है, एस लेंथ ले रखा है, मतलब कि जितनी इसकी मेकोलॉजी की लेंथ है उतना स्पेस ये क्रिएट कर चुका है यहाँ पे, उतनी उतनी बार ये लूप चलेगा क्योंकि लेंथ डाल रखा है। और कहाँ तक चलेगा, 0 तक। नेक्स्ट टाइम जब ये 1 हो जाएगा आर, तो ये कहाँ तक चलेगा, 1 तक, मतलब एक कम हो जाएगा। फिर 2, मतलब ये और कम हो जाएगा, 2 तक ही चलेगा, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इक्वल तक ही आएगा। फिर 3, तो और कम होगा, 4, 1 का होगा, ये फिर ऐसे चल रहा है। तो ये सीक्वेंस, अब मुझे सिर्फ इसमें बिल्कुल परफेक्ट डायमंड शेप देना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देना है, सेव F5, बहुत ही सिंपल है मेकोलॉजी, देख सकते हो आप, एक स्पेस ऐड करने से ही बिल्कुल डायमंड शेप आ चुका है। तो ये बहुत सिंपल है, अगर कुछ भी आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि मुझे एक स्ट्रिंग इंटर करना है और उसमें मुझे पैटर्न्स बनाने हैं, तो बहुत सिंपल है, आप इसमें कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करो और वो आपको ये शेप क्रिएट करके देगा। और अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो इसमें भी स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो काफ़ी सही ये क्वेश्चन है, और ये इंटरव्यूज में काफ़ी कॉमन है, पूछे जाते हैं कि यार ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, उसको मुझे इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करना है, डायमंड या फिर ट्रायंगल या डिफरेंट पैटर्न्स। तो पैटर्न्स तो बहुत कॉमन है आज के टाइम में। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।